नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी की तरफ से आ रही बहुत बड़ी न्यूज कि एग्जाम के लिए जो रिजल्ट बचे हैं उसकी पूरी तैयारी कर ली है और कभी भी किसी भी समय पे रिजल्ट निकाल देंगे, क्योंकि परीक्षाएं अब खत्म हो गई 30 तारीख से। ठीक है, परीक्षाएं खत्म हो गई 30-31 तारीख से, परीक्षाएं खत्म हो गई और डेटा डीजीटी को मिल गया है और डेटा मिल गया तो उसको उन्होंने एनालिसिस करके रिजल्ट के लिए तैयारी कर लिया है। ये पहली जो है तो इनको मैं कामयाबी मानूंगा। हाँ, बस बशर्ते ये अच्छे से निकल आ जाए। अब बचा है लेफ्ट ओवर का, तो लेफ्ट ओवर का जो 6, 7, 8, 9 को एग्जाम होगा तो उसका तैयारी करेंगे। लेकिन अभी तक जो खबर आ रही है तो बहुत सक्सेसफुली उन्होंने कर लिया है, सर्वर को भी कर लिया है, पर भगवान की दया से और ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि ये सर्वर बहुत अच्छे से चल जाए और डीजीटी कभी भी किसी भी टाइम पे निकाल देगी रिजल्ट। ये बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, क्योंकि डीजीटी जानबूझ करके बोली थी कि 7 के बाद और उसके बाद, इसलिए कि आप लोग जो है तो कोई भी न्यूज दिखा देता है रिजल्ट के संबंधित में तो आप लोग बिल्कुल वेबसाइट पे चढ़ जाते हो और आप मान लेते हो। इसलिए डीजीटी ने अपने वेबसाइट पे नीचे लिख भी दिया है कि 7 को या 7 के बाद करूँगा। बहुत फूंक फूंक के कदम डीजीटी उठा रही है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं कि आप तैयार रहो, किसी भी टाइम पे किसी भी दिन, अगर मैं भी अगर अब नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं जान रहा हूं अभी नहीं बोलूंगा, मैं किसी भी टाइम किसी भी दिन रिजल्ट अपडेट होना चालू हो जाएगा। बाकी का भी जो रिजल्ट है वो भी अपडेट होगा। तीसरी बात जो है ग्रीवांसेस वाला भी अपडेट होगा और इधर बीच में नोटिस आ जाएगी। लेकिन आज का जो न्यूज है कि वो है कि डीजीटी ने इग्नू के साथ एक कगार किया है। अब आप आईटीआई के साथ साथ जो है तो आईटीआई कर लेने के बाद, जैसे आप 12th पास हो जाते हो या आईटीआई के द्वारा 10th पास होकर 2 साल की जो आपको अपने राज्य ओपन या एग्जाम से आप 12वीं कर लेते हो, तो उन आईटीआई के लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट इग्नू से किया हुआ है, जो बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ी चीज है कि अब इग्नू के साथ में आप जो है तो जो लड़के काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कंपनियों में काम कर रहे हैं या कहीं दुकान में काम कर रहे हैं और ग्रेजुएशन किसी कारण से वो नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए इग्नू से इन लोगों ने टाई अप किया है। अब वो लड़के जो है तो आईटीआई पास करने के बाद, आईटीआई करने के बाद इग्नू से ग्रेजुएशन कर लेंगे। लेटर भी है, लेटर भी आप देख लीजिए। ये एक बहुत बड़ी चीज है और बहुत बड़ी उपलब्धि है कि गवर्नमेंट ने उन लड़कों के बारे में सोचा जो लड़के रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाते हैं या किसी कारणवश वो काम करने या नौकरी करने के कारण जो है तो ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं, और ग्रेजुएशन ना करने के कारण कभी कभी कंपनियों में उनको वो ओहदा या वो पदोन्नति या वो सैलरी नहीं मिलती थी। तो ये एक बड़ी सोच, मैं इसको जो है तो बड़ा कदम और बड़ी सोच मानूंगा कि ये डीजीटी का बहुत लंबा कदम है और बहुत बड़ा कदम है, उन बच्चों के बारे में सोचा है और ख़ास तौर से पुराने बहुत सारे अभी ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन नहीं किए हुए हैं, तो उनके लिए ये बहुत लाभदायक रहेगा। इस पे मैं जरूर डीजीटी को बधाई दूंगा और ये अच्छे काम है और ये लेटर मैं डाल दिया हूँ। बहुत सारे लोगों को जिनको ये लेटर चाहिए वो मेरे को व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं इस लेटर को, और अपने आईटीआई में जा करके दिखा सकते हैं और जहाँ ग्रेजुएशन कर रहे हैं वहाँ दिखा सकते हैं। और दूसरी चीज़, एक और बड़ी चीज़ आ गई है कि कई लड़के थे वो बोले कि सर हमने 10th के बाद आईटीआई का जो 2 साल का वो होता है, 10th पास करने के बाद आपको 12th की वो मिल जाती है बोर्ड का, तो वो हम करने गए तो नहीं हुआ। देखो भैया, आपने क्या किया ना, आपने लेटर नहीं दिखाया होगा। बहुत सारे लोगों को यूनिवर्सिटियों को नहीं पता इस बारे में कि आप जो है तो 10th करने के बाद, आईटीआई करने के बाद आपको 12th का मिल जाएगा। उनको सारी चीज़ें जब बताओगे ना, लेटर लगाओगे, आपके यहाँ का एक लेटर होता है, वो राज्य का लेटर होता है, वो राज्य का लेटर आप निकलवा लो और जहाँ अप्लाई करना चाहते हो आप वहाँ उसको अप्लाई करो। कोई यूनिवर्सिटी, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट की यूनिवर्सिटी हो, कहीं भी कोई यूनिवर्सिटी आपको मना नहीं कर सकती है एडमिशन लेने में, ये आप जान लीजिए। ये गलत फहमी है, अगर नहीं होता है तो फिर आप हमको उस यूनिवर्सिटी का नंबर दीजिएगा, मैं बात करूंगा और देखूंगा, अगर ऐसा कुछ है तो फिर मैं केंद्र सरकार को, डीजीटी को बोलूंगा कि भैया अगर ऐसा हो रहा है तो फिर गलत है, इस पर जो है तो देखा जाए, इसका सही सही जो है तो आदेश निकाला जाए। वैसे हर आदेश की इसकी कॉपी जो है तो हर प्राइवेट आईटीआई वाले के पास है, और आईटीआई वाले को भी चाहिए कि अपने स्टूडेंट का
जब वो सर्टिफिकेट देता है तो उस सर्टिफिकेट के साथ बाय डिफॉल्ट इसकी एक कॉपी दे देना चाहिए, ताकि लड़के अपनी जो है तो बीए बीकॉम बीएससी जहां चाहे वहां एडमिशन ले लें। और साथ में ये ग्रेजुएशन वाला जो इग्नो वाला लेटर है वो हमसे आप व्हाट्सएप पे मांग लेंगे तो व्हाट्सएप पे मैं दे दूंगा, आप लोग जो है तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और आगे चल करके फिर किसी नए मुद्दे में आऊँगा। जैसे मैंने बोला था कि 3 तारीख से मैं आपके बहुत सारे मुद्दे को मैं एनालिसिस करके डीजीटी को बताऊँगा कि क्या गलती है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस पर लगना पड़ेगा तब जा करके होगा। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और आईटीआई टॉक शो देखते रहिएगा और ये कार्यक्रम कैसा लगता है बताते रहिएगा। आप अपना भी ध्यान रखिएगा और आज का भी दिन आपका शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।